गार्डन है, आप देख सकते हैं बीच गार्डन में कितनी बढ़िया बैठने की अद्भुत और अच्छी व्यवस्था है। और ये सूर्य द्वार है, यहाँ से पैदल जाने की और बढ़िया सी व्यवस्था है, यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं नीचे इस साइड। चलिए अब आगे चलते हैं। माँ विजयसिंह का मंदिर आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं। विजयसिंह मंदिर आए हो, कैसा लगा आपको मंदिर में? अच्छा। अच्छा लगा माँ विजयसिंह के दर्शन किए? हाँ। कहाँ से आए हो? भोपाल से। हाँ, भोपाल से हमारे साथ छोटे बच्चे आए हैं जो माँ विजयसिंह के ने दर्शन किए हैं, और इनको माँ विजयसिंह का आशीर्वाद प्राप्त हो। बाय बेटा। इसके साथ हम चलते हैं आगे, और अब हम माँ विजयसिंह के हमने दर्शन कर लिए हैं, और माँ विजयसिंह के दर्शन करने के बाद माँ विजयसिंह का मंदिर है। मंदिर के बाद हम यहाँ से अब इन सीढ़ियों के साथ वापस मार्ग की ओर से हम जा रहे हैं, और जा सकते हैं माँ विजयसिंह का। हम आप देख चुके हैं मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं माँ विजयसिंह का मंदिर है। हमारे पीछे जूता स्टैंड है, यहाँ से हमें जूते कलेक्ट करना होगा। तो ये जो था मार्ग नंबर 3 था, सलकर को जब भी आए तो यहाँ पर ये लड्डू जरूर खरीदें, क्योंकि यहाँ के सबसे फेमस लड्डू हैं। इनको खरीद कर बंदर को खिला सकते हैं आप। ये मार्ग नंबर, ये गेट नंबर 3 है जिससे हम माँ विजयसिंह के दर्शन करके अभी आ रहे हैं, जस्ट गेट नंबर 3। आप देख रहे हैं माँ विध्यांचल का जो मंदिर है, माँ सलकरपुर वाली विजयसिंह माता का जो मंदिर है, तो विध्यांचल पर्वत श्रेणी पर सलकरपुर नामक स्थान पर है। और आप जो देख रहे हैं यहाँ का सबसे फेमस प्रसाद ये है, इसको आप लेकर भी खा सकते हैं और बंदरों को भी खिला सकते हैं।